बिहार के नवादा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस घटना में 7 लोग जख्मी हो गए। बाद में मारपीट की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिनमें एक तस्वीर में दोनों पक्षों के लोग आपस में बहस करते नजर आए, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। दोनों गुटों के लोग लाठी लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ महिलाएं चीखने चिल्लाने लगी। इसी बीच मारपीट की वजह से एक आदमी बेसुध होकर जमीन पर गिर गया, जिस पर दूसरे पक्ष के कई लोग लाठी से वार करने लगे। एक पक्ष का आरोप है कि वो लोग सालों से उस जमीन पर खेती कर रहे थे जिस पर दूसरे पक्ष ने कब्जा कर लिया। विरोध करने पर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। जमीन 40 वर्ष से जोत रहे हैं, वो जमीन वो जाकर के दखल कर रहे हैं। जमीन पर कब्जे की इस लड़ाई में 7 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूरोप के देश जॉर्जिया में मुख्य विपक्षी दल के चेयरमैन को गिरफ्तार करने के लिए ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी। विपक्ष के नेता निका मेलिया पर 2019 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में दंगा भड़काने का आरोप है, और उसी सिलसिले में पिछले हफ्ते एक कोर्ट ने उन्हें हिरासत में लेने का फैसला सुनाया, जिसके बाद राजधानी टिबलिसी से आई तस्वीरों में आंखों के सामने किसी एक्शन पैक्ड फिल्म का सीन चलता नजर आया। पुलिस की भरी पूरी फौज ने मुख्य विपक्षी दल के मुख्यालय पर धावा बोल दिया और चारों तरफ से बिल्डिंग को घेर लिया। इसके बाद क्रेन से ऑपरेट होने वाली कई फीट ऊंची सीढ़ी मंगाई गई और कुछ पुलिसकर्मी उस पर चढ़कर छत से इमारत के अंदर दाखिल हुए। सिर पर हेलमेट लगाए और हाथों में डंडे लिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ बिल्डिंग में दाखिल तो हो गई, लेकिन वहां उसका सामना हुआ निका मेलिया और उनके समर्थकों की फौज से। उन्होंने दरवाजे पर टेबल लगाकर पुलिस का रास्ता रोका तो पुलिस ने भी आंसू गैस छोड़कर करारा जवाब दिया, लेकिन फिर नेता और उनके साथियों ने एक बड़ी अलमारी दरवाजे पर अड़ा दी। लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो ज्यादा देर तक पुलिस को रोक नहीं पाए और आखिरकार पुलिस ने विपक्ष के नेता को गिरफ्तार कर ही लिया। नेता निका मेलिया को गिरफ्तार करके पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई, लेकिन इसके बाद भी नेता के समर्थक पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कोरोना संकट को देखते हुए चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग बूथों की संख्या को बढ़ाने का प्लान बनाया है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि इन चुनावी राज्यों में करीब 69,000 पोलिंग बूथ बढ़ाए जाएंगे और बिहार की तर्ज पर एक बूथ पर 1,000 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या 78,000 के करीब थी, जो इस बार 1,06,000 हो जाएंगे, जबकि तमिलनाडु में 88,000 पोलिंग बूथ होंगे। पिछली बार ये संख्या 68,000 थी। वहीं असम में 28,000 से बढ़ाकर 33,000 और केरल में 25,000 से बढ़ाकर 40,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा पुदुचेरी में इनकी संख्या 1,500 होगी, जो कि पिछली बार 900 थी। अहमदाबाद में पिंक बॉल से डे नाइट टेस्ट मैच कल शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दोपहर 2:30 बजे से अहमदाबाद में तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये डे नाइट टेस्ट मैच पिंक बॉल से होगा। इसी मैच से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस सरदार पटेल स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इस स्टेडियम में पहले भी मैच होते रहे हैं, लेकिन अब इसे दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील किया गया है। इसी के बाद वहां पहली बार ये मैच खेला जाएगा। Playing at home is all about. It's not only about the conditions on the field, but 50,000 people and their energy behind your team. हिमाचल प्रदेश के मनाली में मौसम ने फिर करवट ली। इससे वहां पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई। मौसम में आए इस बदलाव के बाद प्रशासन ने पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जब भी मौसम खराब हो ना जाएं, नदी नालों की तरफ ना जाएं। गृह मंत्रालय ने कोरोना टीका अभियान पर सभी राज्यों को कुछ जरूरी निर्देश दिए। इसके तहत टीका लगाने के दौरान सावधानी बरतने और पूरी ताकत के साथ इस अभियान को जारी रखने को कहा गया। साथ ही गृह मंत्रालय ने वैक्सीन पर फैलाई जा रही अफवाहों से सख्ती से निपटने की हिदायत दी। दिल्ली में फिर यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ने का असर दिखाई दिया, जिससे आईटीओ के पास यमुना में जहरीले सफेद झाग की मोटी परत जमी नजर आई। कांग्रेस नेता उदित राज के एक विवादास्पद ट्वीट पर सियासत गर्मा गई। उदित राज ने अपने इस ट्वीट के जरिए पेट्रोल की कीमतों पर टिप्पणी की थी, लेकिन उनके इस ट्वीट पर विश्व हिंदू परिषद भड़क उठी और कांग्रेस पर सांप्रदायिकता की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। सच्चे मायने में ये सांप्रदायिक राजनीति को हवा देना चाहते हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कुछ लोगों ने वहां के बंद स्कूलों को खोलने की मांग पर प्रदर्शन किया।
ये प्रदर्शन वहां के स्वास्थ्य विभाग के उस दावे के बाद हुआ जिसमें बताया गया कि वहां कोरोना के मामलों में पहले से काफी कमी आई है, लेकिन इसके बाद भी जब स्कूल नहीं खुले तो बच्चों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान से परेशान कुछ लोग सड़क पर उतर आए। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ लोग अपने बच्चों के साथ एक स्कूल के बाहर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। सभी ने अपने हाथों में पोस्टर और तख्तियां पकड़ रखी थी जिन पर ऑनलाइन क्लास के विरोध में नारे लिखे गए थे। एक जगह पर तो कुछ लोग सड़क किनारे पोस्टर लेकर खड़े हो गए और बंद स्कूलों को फिर से खोलने की मांग की। लाल किला हिंसा मामले में फरार गैंगस्टर लखा सिधाना पंजाब के बठिंडा की एक रैली में नजर आया। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस लंबे वक्त से लखा सिधाना की तलाश कर रही है, लेकिन पुलिस की नजरों से बचते हुए गैंगस्टर लखा सिधाना बठिंडा जा पहुंचा। इतना ही नहीं, वहां बिना किसी डर के उसने कृषि सुधारों के विरोध में आयोजित एक रैली में भी हिस्सा लिया। मंच पर लखा के पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने उसका अभिवादन किया, जबकि कुछ लोग उसके साथ सेल्फी लेते भी नजर आए। बठिंडा की रैली में मंच पर भाषण देते हुए भी लखा सिधाना का वीडियो सामने आया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर हुई हिंसा में लखा सिधाना मुख्य आरोपी है, जिस पर दिल्ली पुलिस काफी पहले 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित कर चुकी है। लाल किला हिंसा मामले में लखा सिधाना का नाम आने के बाद से ही पुलिस उसकी भूमिका की जांच कर रही है, जबकि पुलिस को चकमा देकर वो भी अब तक फरार है। हिंसा भड़काने के अलावा लखा पर यह आरोप भी है कि उसने कुछ पुलिस वालों पर भी हमला किया। पंजाब के गैंगस्टर लखा सिधाना पर हत्या, लूट और अपहरण के 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं, और किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाला ये गैंगस्टर कई साल जेल में भी रह चुका। यूपी के हापुड़ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां मारपीट की घटना को शांत करवाने गई पुलिस से कुछ आरोपी और उनके घर वाले भिड़ गए। ये पूरा विवाद दो दुकानदारों के बीच शुरू हुआ और थोड़ी देर बाद दोनों गुटों के लोग आपस में उलझ गए, और जब पुलिस वहां पहुंची तो और मारपीट कर रहे लोगों को पकड़कर थाने ले जाने लगी तो वहां हंगामा शुरू हो गया। कुछ आरोपी और उनके रिश्तेदार पुलिस से धक्कामुक्की करने लगे। आरोपियों को छुड़ाने के लिए कुछ महिलाएं भी पुलिस वालों से भिड़ गईं। विवाद बढ़ा तो पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और बवाल कर लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। किसी बिजनेस को लेकर के इनमें आपस में कुछ बातचीत हुई है पहले, उसके बाद ये मारपीट की घटना हुई है। काफी देर तक बीच सड़क पर बवाल होता रहा, लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी और उसने किसी को नहीं छोड़ा। वो सभी 8 आरोपियों को पकड़कर थाने ले गई। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्य इस वक्त एक बार फिर कोरोना वायरस से लड़ाई तेज कर चुके हैं। 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का सिद्धांत आप लोगों को फिर से याद दिलाया जा रहा है, लेकिन कानून बनाने वाले और सरकारें चलाने वाले नेता ही ये सिद्धांत भूलते दिख रहे हैं, जिसकी सबसे ज्यादा अनदेखी महाराष्ट्र में ही दिखी, जहां लॉकडाउन की तलवार लटक रही है। सरकार चला रही शिवसेना के एक मंत्री संजय राठौड़ वाशिम के एक मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए, वो भी पूरे लाव लश्कर के साथ। काफिला तो काफिला, आम लोगों की इतनी भीड़ जमा हो गई कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ गई। बेहिसाब भीड़ को देखकर ये तो समझा जा ही सकता है कि इस भीड़ को कोरोना का कोई डर नहीं। ज्यादातर लोगों के चेहरे बिना मास्क के दिखे और दूरी का तो कोई लिहाज ही नहीं रहा। संजय राठौड़ के इस मंदिर पर्यटन का वक्त ऐसा है जब सरकार हर तरह के कार्यक्रम पर रोक लगा चुकी है। मुख्यमंत्री जी के निवेदन के बाद सभी पार्टी के बड़े लीडरों ने और सभी पार्टियों ने अपना कार्यक्रम रद्द किया है। मंत्री असलम शेख सभी पार्टियों के कार्यक्रम रद्द होने की सूचना दे रहे थे और उनके कैबिनेट के साथी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। कुछ ऐसा ही मजाक पुणे में हुई एक शादी में भी हुआ। रोशनी से नहाए पेड़ों और करीने से सजाया गया मैदान किसी आम शादी के लिए नहीं था। पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी हुई, जिसमें तमाम पार्टियों के नेता पहुंचे। शरद पवार, संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस समेत कई वीवीआईपी शादी में पहुंच गए। पुणे में कोरोना वायरस के कारण रात का कर्फ्यू लगा हुआ है, यानी रात के वक्त घरों से निकलने पर भी रोक है, लेकिन वीवीआईपी शादी में 1,000 से ज्यादा मेहमान जुट गए। ये हालात तब हैं जबकि महाराष्ट्र की सरकार को आने वाले कुछ दिनों में कोरोना के मरीजों की गिनती दुगनी होने का अनुमान है, इसलिए लगातार सरकार लोगों को बता रही है कि मास्क और दूरी के नियम नहीं माने तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। कोई कार्यक्रम जो है आने वाले 8 दिन में नहीं होंगे, क्योंकि आने वाला 8 दिन ये मुंबई के लिए या महाराष्ट्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी के अंदर जो है केसेस डबल होने के चांसेस है। और महाराष्ट्र के इन हालात की वजह से चिंता मध्य प्रदेश की भी बड़ी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार फैसला कर चुकी है कि महाराष्ट्र से आने वाले हर शख्स का कोरोना टेस्ट किया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में नेताओं की तस्वीरें ऐसी नहीं दिखी जिससे लगे कि कोरोना नाम की कोई चुनौती भी है। बल्कि बीएसपी के एक विधायक रामबाई सिंह को तो मास्क लगाते ही घुटन होने लगती है। बहुत ज्यादा घुटन होती है, सांस उखड़ने लगती है, उल्टी भरने लगती है। कोरोना से ज्यादा ही लगता है।
कौन लगेगा कोरोना से डर। इन्होंने तो खुलकर कह दिया कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी नेता इतना खुलकर नहीं बोल पाए। राज्य की सरकार में एक मंत्री ऐसे हैं जिन्हें मास्क लगाते ही कान में दर्द होने लगता है। अभी एक मिनट हुआ निकाल ये, मैंने ये जुकाम नहीं था मेरे को, लगाया था कान दर्द कर रहे थे इसे निकाल लिया। पूर्व मंत्री भी ऐसे हैं जिन्हें फोन पर बात करने के लिए मास्क निकालना पड़ता है। मास्क मैंने अभी जो फोन पर बात कर रहा था तो जेब में रख लिया है, अब उस गलती के लिए आप माफ कर दो या फिर। लेकिन इन सबसे ज्यादा दिलचस्प तो सीनियर मंत्री उषा ठाकुर का दावा है। उषा ठाकुर मास्क इसलिए नहीं लगाती क्योंकि वो शंख बजाती हैं और यही सीख लोगों को भी देती हैं। शंख नाद करती हूँ, यदि आप एक मिनट तक निरंतर शंख बजा रहे हैं तो कोरोना आपको छू के नहीं जा पाएगा। जबकि खुद उषा ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र इंदौर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और रोज 100 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। वहीं बिहार में तो बेफिक्री सबसे ज्यादा दिखी। विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर न तो कोई मास्क पहने दिखा, न किसी को कोरोना वायरस की कोई परवाह दिखी। यहां तक कि विपक्ष के विधायक तो कंधे से कंधा मिलाकर नारेबाजी करने के लिए बड़ी संख्या में जुट गए। एक के भी चेहरे पर मास्क दिखाई नहीं दिया। जब विधायकों से मास्क न पहनने का कारण पूछा गया तो भी कोई सीधा जवाब नहीं मिला। मास्क क्यों नहीं पहने हैं? मास्क पहने, मास्क लिए हुए हम लोग, मास्क पैकेट में रखने से करके नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं। कुमार जी पहने हुए हैं, वही पहने हुए। कोरोना से कैसे बचिएगा? कोरोना तो मजाक है, मास्क की जरूरत नहीं है हमको। विधायकों से बात करने पर ऐसा लगा जैसे बिहार में कोरोना के घुसने पर रोक लगाई जा चुकी है। 3 लाख लोगों को मैंने फेस किया, हर एक से हाथ मिलाया, अगर किसी कोई इफेक्ट हो सकता था तो वो मैं हो सकता था, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। हम भाई बहन का स्लोग है, हमारे यहाँ कोरोना में कोई चीज नहीं है। विधानसभा के अंदर भी विधायकों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखे। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों से मास्क लगाने की अपील की, हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार का मास्क भी गर्दन पर ही लगा रहा। हम लोग लगाए हुए हैं, आप लोग अपना मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो मास्क लगा लीजिए। विधानसभा में जब सीएम ने जिक्र किया तभी स्पीकर को भी मास्क लगाने की याद आई। यहाँ पर भी इंतजाम है, अध्यक्ष महोदय ने भी इंतजाम कर रखा है, अगर नहीं है तो ले लीजिए। विधानसभा में कोरोना वायरस पर लंबी बहस भी हुई। भीड़ के साथ वाशिम मंदिर जाने के मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने ही मंत्री संजय राठौड़ के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए 8 से 10 हजार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। शिवसेना के मंत्री संजय राठौड़ पूरे लाभ लश्कर के साथ वाशिम के एक मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए थे। काफिला तो आम लोगों की भीड़ उसमें इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ गई। खफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, साथ ही मामले में कलेक्टर और एसपी से तुरंत रिपोर्ट देने को कहा है। बेंगलुरु में राज्य सरकार के फीस कटौती के आदेश के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया। प्राइवेट स्कूलों की मांग है कि कर्नाटक सरकार अपना आदेश वापस ले। राज्य सरकार ने राज्य के प्राइवेट स्कूलों को फीस में 30% कटौती करने का आदेश दिया था, जिससे नाराज प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कर्नाटक सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। बेंगलुरु से प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारियों के प्रदर्शन की जो तस्वीरें आईं, उनसे इस बात का अंदाजा लग गया कि वो फीस कटौती के आदेश से कितने गुस्से में, क्योंकि बेंगलुरु की सड़कें इन प्रदर्शनकारियों से फटी दिखी। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो राज्य सरकार को अपनी शक्ति का एहसास करा रहे हैं और ये बता रहे हों कि इस मामले में वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रदर्शन में शिक्षकों के अलावा प्राइवेट स्कूलों के अलग अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल, जिन्होंने एक सुर में मांग की कि सरकार प्राइवेट स्कूलों में 30% फीस कटौती के अपने आदेश को वापस ले। इंटेंशन इज टू प्रोटेस्ट टिल दिस इज रोल्ड बैक। अपने प्रदर्शन के बारे में इन स्कूलों ने छात्रों के माता पिता को पहले ही जानकारी दे दी थी और बताया था कि एक दिन के लिए स्कूलों में ऑनलाइन क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि उनके मुताबिक कर्नाटक सरकार के आदेश ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो सड़कों पर उतरे। जानकारी है कि 30% फीस कटौती के विरोध में करीब 25,000 लोग बेंगलुरु की सड़कों पर उतरे, जिनमें प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक और दूसरे कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों के प्राइवेट स्कूल इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बने। प्रदेश सरकार ने आदेश दिया कि प्राइवेट स्कूल आने वाले सत्र में अपनी स्कूल फीस में कमी करें और छात्रों के माता पिता से 70% से अधिक ट्यूशन फीस न लें। लेकिन स्कूलों का तर्क है कि उनके स्टाफ को तनख्वाह देने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में उन्हें घाटा हुआ और फीस कटौती से उनकी मुश्किल बढ़ेगी। क्योंकि कई छात्रों के माता पिता फीस कटौती से खुश हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों ने या तो शिक्षकों को निकाल दिया है या उनके वेतन काट रहे हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। आज से ही इस मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। राष्ट्रपति कोविंद स्टेडियम का उद्घाटन करने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों से भी मिलेंगे, साथ ही कुछ देर मैच भी देखेंगे। इस स्टेडियम की क्षमता 1,10,000 दर्शकों की है, लेकिन कोरोना के नियमों को देखते हुए सिर्फ 50% टिकट की ही बिक्री की गई है। साल 2014 के बाद इस मैदान पर पहला इंटरनेशनल मैच खेला जाने वाला है। 2015 से इस स्टेडियम का नए सिरे से निर्माण का काम शुरू हुआ था, जो अब पूरा हो चुका है। यूपी के कानपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए एक मकान को पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि ड्रग्स की तस्करी करने वाले सुशील बच्चन नाम के बदमाश ने इसे बनवाया था, जिसे खाली करने के लिए प्रशासन की तरफ से उसे नोटिस भी दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने उसे जमींदोज कर दिया। इस दौरान वहां भारी पुलिस फोर्स के साथ जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनके सामने अवैध रूप से बनाए गए इस मकान को गिरा दिया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ मजदूर ड्रिल मशीन से लिंटन को कमजोर करते दिखे तो कुछ ने मकान की दीवारों को हथौड़े से तोड़ दिया। इससे पहले वहां पहुंची प्रशासन की टीम ने मकान में मौजूद लोगों से उसे खाली करने की अपील की। बाहर आ जाइए। मकान के दरवाजों को भी कार्रवाई के दौरान उखाड़ कर फेंक दिया गया।